पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम सैनी, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद है। विप्लव देव, सतीश पूनिया ने शिरकत की है। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद है। कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज बैठक में मौजूद है। सुधा यादव समेत कई नेता मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद है। पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद है। तो नड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है, बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक। सुधा यादव समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक ये जारी है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, क्या एजेंडा इस बैठक का रहा है आज का? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यह अहम बैठक है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दिल्ली में, अगर बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो है गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं, उनके साथ साथ बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। अगर हम हरियाणा से बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, उनके साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, सह प्रभारी विप्लव देव, उसी तरीके से प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद हैं। उनके साथ साथ हरियाणा के तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनमें से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, उनके साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं, पूर्व मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री ओपी धनखड़, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव, तमाम जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और अगर इस बैठक की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनावों की जो रणनीति है उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है, खासकर कोर ग्रुप, क्योंकि हरियाणा भाजपा का जो कोर ग्रुप है वो इस बैठक में बुलाया गया है। तो जिनके साथ कोर ग्रुप के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनावों के रणनीति को लेकर के, किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जा सकता है आगामी, किस तरीके से रणनीति रहने वाली है। इस बैठक में अगर बात करें तो किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में रहने वाली है। खासकर एक जानकारी और जो कि आ रही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ रालोद जो है जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो गठबंधन में आना चाहती है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर बात रखी गई है कि 5 सीटों पर आरएलडी जो है वो गठबंधन में आना चाहती है। और खासकर जो उत्तर प्रदेश से छटा जो इलाका है वहाँ की 5 सीटों पर जो है यहाँ पर जो दावा है वो किया उन्होंने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के साथ उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ विधानसभा चुनावों में और क्या रणनीति हो सकती है, किन मुद्दों के साथ भाजपा जो है वो विधानसभा चुनावों में जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार में 3री बार एनडीए ने सरकार बनाई है, हरियाणा में 2 बार बीजेपी की लगातार सरकार है और 3री बार का बीजेपी दावा कर रही है। ऐसे में किन मुद्दों के साथ बीजेपी को जाना है इस चुनाव में, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है, किस तरीके की रणनीति। और खासकर क्योंकि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति जिसमें उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जाएगी, उसके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे पहले जो है कोर ग्रुप के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, उनके साथ में बीएल संतोष भी मौजूद हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगातार जो ये बैठक है वो जा रही है, विभिन्न रणनीतियों को लेकर के चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा के अंदर बात की जाए तो किन मुद्दों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक जी, एक तरफ तो कांग्रेस की बैठक चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, जिसमें टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की ये बैठक है, कोर ग्रुप की बैठक है, सीईसी की बैठक भी शाम को होने वाली है जैसा कि जानकारी आपने दी। लेकिन इस बार हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के पास क्या कुछ चुनौतियां
हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि तीसरी बार सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे बीजेपी की ओर से भी किए जा रहे हैं और वही कांग्रेस की ओर से भी ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा को हराकर इस बार कांग्रेस खुद सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। तो क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है जो बीजेपी के सामने इस बार होने वाली है विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती इसलिए है कि पिछले दस वर्षों से दो कार्यकाल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनी और दो बार सरकार बनाने का, तीसरी बार सरकार में जाने का दावा है जिसको लेकर के बीजेपी प्रयास कर रही है। और ऐसे में सरकार की उपलब्धियां लेकर के लोगों के बीच जाना है कि सरकार ने क्या काम करा है, आगामी रणनीति क्या है। और ऐसे में खासकर अभी हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हरियाणा में 10 लोकसभा में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर लिया, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके आए हैं। और इन 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो इनमें करीबन जो 90 विधानसभा सीटें आती हैं, उन 90 विधानसभा सीटों पर 44 सीटों पर बीजेपी ने लीड किया था, यानी कि बीजेपी को वोट ज्यादा मिले थे। 42 सीटों पर कांग्रेस ने लीड किया था जिसमें कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले थे। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी जो कि कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में थी, यानी कि 46 सीटें विपक्ष के पास थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो 44 सीटें थी उससे कई आगे बढ़ने को लेकर के तैयारी करनी है। तो किन किन सीटों पर उनको जो अगर साथ में मिला, सहयोग मिला, वोट मिले तो वो क्या मुद्दे रहे, किन सीटों पर अगर बीजेपी कमजोर रही तो वहां क्या मुद्दे रहे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है, लोगों के बीच जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार का जब कामकाज है तो लोगों की नाराजगी को भी दूर करना है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच लेकर के जानी है। ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ रणनीति बना रही है। और बैठक की अहमियत भी इससे लगाई जा सकती है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो हरियाणा भाजपा के कोर ग्रुप की ये बैठक है, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, इसमें बीएल संतोष भी मौजूद है। तो हरियाणा के तमाम समीकरण, कौन से मजबूत चेहरे हो सकते हैं, कौन से मजबूत मुद्दे हो सकते हैं और क्या गठबंधन की जरूरत है, क्योंकि RLD की बात की जाए, रालोद की बात की जाए तो वो हरियाणा में गठबंधन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि बैठक जो है अभी जो चर्चा हुई है गठबंधन की, पार्टी हाईकमान के स्तर पे हुई है, प्रदेश भाजपा को अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन रालोद जो है हरियाणा में 5 सीटें चाहती है, तो ऐसे में उसका क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या जो किसानों का मुद्दों को लेकर के जयंत चौधरी बात करते रहे हैं, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के इस वक्त दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में की अगर बात की जाए, जो आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर जो ये बैठक है, हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप के साथ ये चर्चा चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद हैं, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रभारी बीजेपी के जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो मौजूद हैं। तो इसमें चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भारतीय भाजपा की संसदीय दल की जो सदस्य हैं, भाजपा संसदीय जो भाजपा की चुनाव समिति की जो सदस्य हैं सुधा यादव, वो इस बैठक में मौजूद है। तमाम प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान की ये बैठक है आगामी रणनीति को लेकर के। जी बिल्कुल, एक तरफ तो कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक और दूसरी तरफ CEC की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इन बैठकों के बाद तस्वीर साफ होगी कि बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है विधानसभा चुनावों को लेकर, और शाम तक हो सकता है कि स्थिति भी साफ हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, नजर इस पर आप बनाए रखिएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से ही अगली खबर का रुख करेंगे जहां बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। कंगना रनौत ने नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की, कोर ग्रुप की बैठक के दौरान मुलाकात हुई है। कंगना रनौत ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था, बीजेपी ने कंगना के बयान पर एतराज जताया था, बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कन्नी काट ली गई थी कंगना रनौत के बयान को लेकर। जब विवाद लगातार बढ़ता गया उसके बाद से ही बीजेपी खुद को इस पूरे मामले से अलग करती हुई चल रही है, कंगना रनौत के बयान से अलग करती हुई चल रही है। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत की मुलाकात हुई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से, उनके आवास पर यह मुलाकात हुई। कोर ग्रुप की बैठक के दौरान कंगना रनौत ने JP नड्डा से मुलाकात की। मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत और JP नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की मीटिंग के दौरान उनसे मुलाकात हुई है कंगना रनौत की।
और अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां प्रदेश बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये बैठक हुई। सीएम सैनी सतीश पूनिया मौजूद रहे। विप्लव देव मनोहर लाल ने शिरकत की। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले ये मीटिंग हुई है। देखिए, मीटिंग का दौर जो है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक बैठकें ली जा रही है। यहाँ छोटी टोली की बैठक, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक, फिर अब सीईसी की बैठक भी शाम में होने वाली है। लगातार अपनी तैयारियों में भाजपा लगी हुई है। क्या इस बार रणनीति भाजपा की विधानसभा चुनावों के लिए होनी चाहिए, कौन से वो मुद्दे होने चाहिए जो लेकर भाजपा के जो तमाम प्रत्याशी होंगे वो मैदान में उतरेंगे और उन्हीं मुद्दों के जरिए वोट की अपील, समर्थन की अपील जनता के सामने करेंगे। क्या ऐसी बातें होनी चाहिए, क्या ऐसी जनता की शिकायतें होनी चाहिए जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जनता की नाराजगी अगर दूर होगी तो ही फैसला हो पाएगा कि आखिर कौन से राजनीतिक पार्टी को सत्ता इस बार सौंपी जानी है, क्योंकि जनता ही इस बात का फैसला आगामी विधानसभा चुनावों में करेगी। तो इसीलिए जनता को खुश करना इस वक्त राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में क्या मुद्दे हो सकते हैं जनता के बीच जो लेकर जाए, इन सभी चीजों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। ऐसे ही प्रदेश बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक हुई। और दिल्ली से अगली खबर, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। सीईसी की बैठक यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को भाजपा की होने वाली है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। रणनीति क्या हो सकती है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और टिकटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। शाम 6:30 बजे मीटिंग का वक्त रखा गया है और बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होने वाली है।